झुंझुनू से खबर है जहां रानी सती मंदिर के सामने आईडीबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले जाने के मामले में सीसीटीवी सामने आ गया है। वहीं बदमाशों ने गाड़ी से रस्सी बांधकर एटीएम को उखाड़ा और महज 20 मिनट में 6.48 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ कर अपने साथ ले गए। पुलिस ने इस मामले में अब जांच शुरू की तो पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं, जिनके आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।